आईपीएल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा है अभी तक, जहां पर इस टीम ने 6 मैचेस खेले हैं जिसमें 5 मैचेस में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है और डेविड वार्नर की कप्तानी पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे इस सीज़न में। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है। उससे पहले दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, डेविड वार्नर दोस्तों अब हमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आने वाले। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनको कप्तानी से हटा दिया गया है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आपको इस वीडियो में मैं आज आपको इसी के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अब कौन सा नया कप्तान होगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लीड करने वाला है आगे के मैचेस में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं हम दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के नए कप्तान के बारे में, तो वो दोस्तों है केन विलियमसन। जी हाँ दोस्तों, केन विलियमसन अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी करने वाला, जो भी बाकी के मैचेस बचे हैं उसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन होने वाले। ये खबर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दिए, जहां पर SRH की टीम ने ये पोस्ट करके बताया अपने फैंस को कि अब केन विलियमसन कप्तानी करने वाला है, डेविड वार्नर अब कप्तान नहीं होंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना ओवरसीज कॉम्बिनेशन चेंज करने वाली है। उस पोस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस बात की भी जानकारी दी है कि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जो इनका मैच होगा वहां पर SRH की टीम अपना ओवरसीज कॉम्बिनेशन भी चेंज करने वाली, यानी कि शायद दोस्तों हमें जॉनी बेस्टो या डेविड वार्नर दोनों में खिलाड़ियों में से हमें कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता हुआ नजर आने वाला है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। आपको ये डिसीजन कैसा लगा, वार्नर को कप्तानी से हटाया गया और केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया, ये डिसीजन आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।